एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी। स्कूल्स एक्शन कमेटी के चेयरमैन परवेज हारून कहते हैं कि वो वजीर तालीम हुसैन सईद गनी के स्कूल से मुतालिक फैसले की मजम्मत करते हुए उनके इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। एक बयान में परवेज हारून का कहना था कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला हुसैन से मुतालबा करते हैं कि वफाकी हुकूमत और एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद करवाया जाए, स्कूल में शुरू होने वाले तदरीसी अमल को चंद एक शिकायत में मुकम्मल बंद न किया जाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुलरहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज़ है, मज़ीद तफसीलात इस न्यूज़ के हवाले से आती हैं तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाएंगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करना होगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। ये लेटेस्ट न्यूज़ उन तक भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज़रिए आप शेयर करके आप उन तक पहुँचा दें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।